बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुकिंग विद फिज़ा में आप सबको मेरा सलाम जी हाँ जनाब मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि जो जायका जो बरकत वो मेरे खानों में डालते हैं वही जायका और वही बरकत वो आपके खानों में भी डालें आमीन आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये शाही चिकन पालक की रेसिपी है जैसे आप देख सकते हैं कि ये दिखने में इतनी खूबसूरत है ये खाने में भी बड़ी टेस्ट वाली है तो और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी शाही पालक यानी कि शाही चिकन पालक ऐसी टेस्ट वाली बने तो आप आपने मेरे साथ रहना है जाना आपने कहीं नहीं है और एक लाइक कर दें ठीक है जी चले चलें जी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं रहमान रहीम मस्टर्ड ऑयल डाली है मैंने कढ़ाई के अंदर और हम अपने वो वाले मसाले डाल लेते हैं जिससे जो है ना शाही खुशबूदार चिकन पालक हमारी बनेगी ठीक है जी तो मसालों में आपने देखा था दो अदद दालचीनी के टुकड़े थे दो अदद बड़ी इलायची थी अदद छोटी इलायची थी ठीक है जी जायफल थी जवित्री थी और आ, आ, काली मिर्च थी ठीक है जी ये वाले थे और उसके बाद आपने देखा कि मैंने प्याज काट के उसके अंदर डाल दी ठीक है जी उसके बाद मैंने चिकन डाल दिया फिर मैंने लहसुन भर के एक चम्मच डाल दिया ठीक है और इसको थोड़ा सा भूना, फिर उसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिया मैंने दो अदद टमाटर को स्लाइसिस में काटा और मैंने वो भी कढ़ाई के अंदर डाले अब हम यहाँ पे साथ साथ इसकी भुनाई चल रही और साथ मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च डाली ठीक है जी आधा चम्मच मैंने गरम मसाला डाला और आधा चम्मच मैंने हल्दी डाली ठीक है जी यहाँ पे आप देख सकते हैं तो साथ साथ जो है भुनाई हमारी होती रहेगी ठीक हो गया जी इसको आप भूनें अच्छे तरीके से जब ये भुन जाए तो फिर आप इसमें तकरीबन एक गिलास पानी का डाल दें और डाल के ढक्कन दे दें कढ़ाई के ऊपर ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे तरीके से गल जाए ठीक है और फिर इसके बाद हम पालक इसके अंदर ऐड करेंगे ये अब यहाँ पे दस मिनट हो चुके हैं मैंने ढक्कन को खोल लिया है और फिर मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ तो आप नमक डाल दीजिएगा नमक मैंने डाला है लेकिन वो नहीं मैं आपको दिखा सकी लेकिन आप नमक यहाँ से ऐड कर लीजिएगा ठीक है जी और यहाँ पे जो बॉयल की हुई पालक थी वो आ गई है वो मैंने डाल दिया चिकन के अंदर अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिला के फिर इसके अंदर मैं तकरीबन भर भर के दो दो चम्मच जो है ना देसी घी के ऐड करूँगी ठीक है जी तो इससे इतना बेहतरीन टेस्ट आता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती जब आपने देसी घी ऐड करना है तो फिर आपने इसकी बनाई स्टार्ट कर देनी है ठीक है ये देखें जी मैंने देसी घी ऐड किया है साथ ही आप देख सकते हैं कि पालक की जो इसका चेहरा है वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है ये सिर्फ़ देखने में ख़ूबसूरत नज़र नहीं आ रही बस आप यहीं से हाथ लगा के जब आप घर में बनाएंगे टेस्ट कीजिएगा कि ये कितनी मदद है। अभी इसकी भुनाई चलेगी अभी हम इसकी भुनाई करेंगे ठीक है जी ये जो मसाले हैं वो इसमें ऐसी शाही खुशबू ऐसी शानदार खुशबू पैदा करते हैं जो छोटी इलायची है बड़ी इलायची है दालचीनी है जायफल है जबत् है कि मैं आपको क्या बताऊँ ये बहुत ही शानदार चिकन पालक है इस ये मैं कहती शादियों वाली पालक को भूल जाएंगे आप ठीक है जी दावत पे आप अगर किसी को दावत दे रहे हैं तो ये स्पेशल तरीके से ऐसे ही आप इस पालक को बनाएं कोई लम्बे चौड़े मसाले नहीं होते खाने को टेस्टफुल करने के लिए एक तो आपके हाथ का जायका होता है जो अल्लाह ताला ने आपको दिया होता है दूसरा आपका बनाने का अंदाज़ आप ये वही पालक है जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर की थी कि पालक को काट के बना के जो है ना फ्रीज़ कर लें और जिस दिन आपने बनानी हो तब आपका टाइम बचे मैं यहाँ पे लिंक लगा दूंगी आप वो देख लीजिएगा ठीक है जी ये वही पालक है मैंने इसको ग्रैंड नहीं किया ठीक है जी ये हाथ से मैंने इसको मैश किया था जब मैंने इसको बॉइल किया था आप इसको ग्रैंड भी कर सकते हैं ये आपकी मर्ज़ी है ठीक है जी मैंने इसको ग्रैंड नहीं किया था मैंने इसको ऐसे ही बनाया तो जनाब अगर आप भी अगर आप भी ऐसी चिकन पालक बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को फॉलो करें आपको रिज़ल्ट बेहतरीन मिलेंगे और आप मेरी वीडियो जो है पालक वाली बॉईल करने का तरीक़ा और फ्रीज़ करने का तरीक़ा आप उसको देख लें वो भी आपके टाइम की बचत होगी अच्छा जी अल्लाह फ़े